हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार आप लोगों ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया है। अब तो मुझे मूवीज के ऑफर आने लगे हैं, तो अब मैं वहाँ शूटिंग पे जाने वाला हूँ। पिक्चर का नाम है बड़े बंगड़े के वारिस कौन। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मैं आपको अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाऊंगा और साथ में मैं इन बेरोजगारों को भी लेके जाने वाला हूँ अपने साथ। अबे नुबड़े, ज्यादा मत उड़, मैंने ही तुझे उस पिक्चर पे काम पे लगवाया है। हाँ गाइस, क्योंकि उस मूवी का डायरेक्टर आदम शाशा के मौसी का लड़का है घोड़ा आदम जोहर, इसलिए नेपोटिज्म से हम तीनों को उस मूवी में काम मिल गया। नेपोटिज्म रॉक्स। तो चलो गाइस, अब हम आपको मिलते हैं फिल्म के सेट पे। और कहाँ थे तुम लोग अब तक? ससुरा बहुत लेट हो गया। चलो अब मेरा मुंह काहे देख रहे हो? रोल कैमरा एक्शन। टेक वन, संस्कारी बेटे का रोल आदम। पिताजी शुभ प्रभात। पिताजी। और मेरा राजा बेटा उठ गया। हाँ पिताजी, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। बेटा तेरे पिताजी का तुझे आशीर्वाद है कि तू सदा ही प्रो प्लेयर बना रहे, कभी रैंक माइनस ना हो तेरा। मेहनत करके रैंक पुश कर और तेरे पिताजी का नाम रीजन टॉप में ला। बाबूजी देखो आपका लाडला सुअर बेटा आ गया। और मेरे नालायक बेटे, पिछले 10 दिनों से तू कहाँ गायब था? ना व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज, ना स्नैपचैट पे तूने एक भी स्नैप भेजी। तुझे पता भी है पिछले 10 दिनों में तेरे बाबूजी पे क्या बीती है? पिताजी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी, इसे तो बस उस छोटे बाल वाली लड़की के साथ मेला घूमना होता है। बेटा तुझे कितनी बार बोला है उस लड़की से दूर रहे, वो लड़की हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं है, उसे चाहिए कैपेसिनो और हम शाही पीने वाले हैं। और बाबूजी मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। पिताजी मैंने तो पहले ही कहा था इसे हॉस्टल में भेजना सही रहेगा, क्योंकि ये हमारे हाथों से छूट रहा है। बाबूजी मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। केड़ी आजा। हे डैडी हाउस गोइंग। और ये नई काम वाली है क्या नालायक बेटे? ओसी है। जबान संभाल के पिताजी, ये आपके घर की बहू है और मेरी एक लौटी पटनी, क्योंकि मैंने केड़ी से शादी कर ली है, अब आपको इसे अपनाना ही पड़ेगा। क्या 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 बेटा, बोल दे कि ये बात झूठ है। बाबूजी ये सच है, मैंने कड़ ही केड़ी से शादी कर ली है। ओ बुढ़ापे में यही देखना बाकी रह गया था। पिताजी संभालिए अपने आप को, क्या हो रहा है आपको पिताजी? बेटा अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है आदम बेटा। हाँ अब मजा आया, साला सुबह से गैस बन गई थी। बाबूजी सुरन का डब्बा ले आऊँ आपके लिए, वो खाके आपको अच्छा लगेगा। खबरदार अपने मुंह से ये बाबूजी शब्द निकाला तो तू मुझे बाबूजी कहने का अधिकार खो चुका है। अब से तू मेरा बेटा नहीं है, अब से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है आदम। बाबूजी आपने तो मुझे एक ही पड़ में पढ़ाया कर दिया, ऐसा मत करो वरना मुझे आपकी जायदाद में से हक नहीं मिलेगा। मैं आज से ये ऐलान करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद और इस हवेली का मालिक मेरा बड़ा बेटा आदम है। अरे ये क्या बात हुई बाबूजी, आपको मुझे मेरा हक देना ही पड़ेगा 50%। ओबे तुझे 50% तो क्या, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? अरे बाबू डैडी के पैर पकड़ के माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देंगे। हाँ बाबू ये सही रहेगा। पिताजी पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ओबे चल नालायक, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा। नहीं बाबूजी, मैं आज तो आपके आशीर्वाद लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अरे समझता क्यों नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। नो मींस नो। बाबूजी अगर आप रेडी है तो मैं भी आपका बेटा हूँ, आशीर्वाद तो मैं लेके ही रहूंगा। तू मेरा बेटा है नहीं था, समझा? छोटे पिताजी मना कर रहे हैं, फिर भी तूने क्यों परेशान कर रहा है? साबा साडम बेटा जेबा। अरे बाबू तुम ठीक तो हो ना? बड़े भैया आपने मुझे मारा तो अब मैं भी आपको मारूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बदला लेने का रिवाज है। चलो अब हो जाए दो दो आठ। शाबाश बेटा, यही है हमारे घर के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। बड़े भैया आपने मेरे पे हाथ उठाया, अब ये लो। अबे साले मुझे लग रहा है क्या कर रहा है, इसमें हमें एक्टिंग करनी होती है और तू सच में मार रहा है, अब ये ले। अरे शासन ढटटड़े की यार, लग गई मुझे। साले तू मुझे कब से सच में मार रहा था, अब तू भी मार खा सच में। अरे क्या बात है, एकदम नेचुरल एक्टिंग है, ससुरे गजब के एक्टर है, मारना पड़ेगा। ओपी ओपी मार ससुरे को, मार उसके मुँह पे लात मार। अब ये मेरी हवेली
अशुद्ध हो गए, मुझे इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे डैडी जा रहे हैं, बाबू रोक लो इन्हें। नहीं बाबूजी, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ना लो यक, ये बात तुझे उस नूबड़ी लड़की से शादी करने से पहले सोचनी थी। बाबूजी वो नूबड़ी नहीं है, बल्कि नूब तो आप हो, 07 से हार जाते हो सबसे। ना लो यक, तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बाबूजी से जुबान लड़ाता है, अब मुझे मजबूरन तेरे पे गोला छोड़ना पड़ेगा। बाबूजी आपने अपने छोटे बेटे पे गोला छोड़ा, ये गलत किया आपने बाबूजी। तू मुझे सिखाएगा क्या सही क्या गलत, अब मैं एक और गोला छोड़ूंगा। बड़े भैया मुझे बचाओ बाबूजी के गोले से, नहीं तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे पिताजी इसे छोटा समझ के माफ कर दीजिए। अरे बेटा आदम, अब तू भी इसकी साइड हो गया, अब तुम दोनों गोला खाओगे। तो इसी तरह बड़ी हवेली के दोनों वारिस लोबी में चले गए और ये हवेली हमेशा के लिए सूनी हो गई और हिप हॉप इस हवेली को ताले मारकर 5-स्टार होटल में रहने चला गया। इस प्रकार से बड़े बंगले के वारिस कौन फिल्म का दी एंड हो गया। अरे पैकअप पैकअप, क्या ही ओपी एक्टिंग की, मजा आ गया। चलो बाबू मोसाई आपको घर पे मिलता हूँ, अभी मैं और केली कॉफी पीने जा रहे हैं। बाबूजी लिमिट में रहो क्योंकि ये आपकी बहू है। नुबड़े, ये मेरी बहू थी फिल्म में, अभी तो ये मेरी बाबू है, समझा। चलो सासा, शूटिंग में जो भी हुआ उसे भूल जाओ यार, अब घर जाके दोनों मलम लगा के सो जाएंगे। ठीक है चल जाने दे यार। अरे भैया यार मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे को कार चलाना अच्छे से नहीं आता है। अरे कुछ ना हो, वैसे चलाएगा तभी तो सीखेगा। सासा वैसे हिप्पू केड़ी को लेके कौन से ढाबे पे गया होगा। अरे क्रिमिनल जाके देख तो ये कौन है हमारे पे गाड़ी चढ़ा दी। सासा अभी बताता हूँ साड़े को। और नुबड़े बाहर निकल, दिखता नहीं है क्या अंधा है। अरे भाई साहब सॉरी सॉरी यार, वो मैं सीख रहा था, मुझे अच्छे से नहीं आती कार। अबे अगर कार सड़ाना आता ही नहीं है तो फिर सड़ाते क्यों हो। अरे थारी ये हिम्मत जो मारे भाई पे हाथ उठाता से, रुक थारे को बताता सू। अरे बापरे ये गेंडा तो मेरी चटनी बना देगा। अरे भाई क्यों मारे भाई को मारा। अरे वो उसने हम पे कार सड़ा दी ना इसलिए यार। अरे भाई कार तो होवे से ही चढ़ाने के लिए, उसमें उसने गलत के कियो। नहीं भाई साहब गलती तो मेरी है, मुझे आज कार लेके आना ही नहीं चाहिए था। अरे भाई साहब छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया, अब हम चलते हैं। अरे ना भाई, इसने मारे भाई को मारा से, मैं अब इसे पीटूंगो फिर जाना घर। अरे भाई साहब मार पीट में क्या रखा है, आपस में मिल जुल के रहो ठीक है भाई। ढोलीड़ा ढोल रे वगाड़ मारे हिच लेवी छे। अरे आ बधु शू छे, ए क्रिमिनल ये क्या हो रहा है। अरे अपना भाई आ गया, ए बेनम भाई इधर आओ, अपनी मैटर हो गई है एक, ये सारा सांड हमको डरा रहा है। ये चिमकंडी तेरी ये हिम्मत, तू मेरे होते हुए क्रिमिनल भाई को डरा रहा है। अरे नहीं नहीं मोटा भाई, डरा नहीं रहा था, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। अपनी औकात में रहना, वो क्रिमिनल और आदम मेरे भाई है वो। अरे बच्चे औकात की बात ना कर, अब तो मैटर बड़ो हो गयो से। अबे हम तो करेंगे बेटा, क्या कर लेगा तू, लड़ना है तो आजा। अब तो लड़ाई होगी, रुक तुमको बताता सू। हेलो हल्क भाई साहब, तुम्हारे भाई की लड़ाई बच गई से तगड़ी वाली, लोकेशन भेज रिया सू, आ जाओ इधर। अरे तू किसी को भी बुला रहे, हमारे साथ वैनम भाई है, वैनम भाई किसी को भी पटक के फोड़ देंगे। ओए कौन है वो जिसको मेरे से दो दो हाथ करने हैं। ओए अरे भाई लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, मिलजुल के रहो शांति से रहो। हाँ साची बात छे वो मोटा भाई। अरे वो वैनम मारे से औकात की बात कर रिया था, उसे बता मारे भाई। ओए वैनम तेरी ये हिम्मत, तू मेरे भाई से औकात की बात कर रहा था, अब तू नहीं बचेगा ये ले। अरे गलती हो गई भाई जवा दे। सासा मुझे नहीं लगता ये सांड मुझे छोड़ेगा, तो आप प्लीज मेरा एक काम कर देना, मेरे फोन में से गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट कर देना। और अब तेरा क्या होगा लालिया। अरे टेंशन मत ले, अपना भी एक भाई है जिससे ये सब डरते हैं, वो आता ही होगा। और मैं भी देखता हूँ कौन सा भाई आता है तुम्हारा, उसकी भी मैं आज चटनी बना दूंगा। अरे हाँ भाइयों देखते हैं ये लोगों ने किस तोप के गोले को बुलाया है। सही पकड़ा है बाबू मोसाई, तोप का गोला ही तो आ रहा है। चलो बाबू मोसाई अब गोला खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बाप रे भागो, ये तो टॉयलेट मैन है।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा।